हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोर्स के बारे में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंडोज के बारे में, जिसमें हम 26 टाइप्स की विंडोज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर आएगा आपका फिक्स्ड विंडो का। फिक्स्ड विंडो क्या होती है? फिक्स टू वॉल, वॉल पे आपकी फिक्स होती है। जो इसका ग्लास होता है वो फ्रेम में फिक्स होता है, जिसको आप रिमूव नहीं कर सकते। ये वेंटिलेशन के काम नहीं आती, ये सिर्फ लाइट को एंटर करने के काम आती है, रूम में लाइट पहुंचाने के काम आती है, इसे हम फिक्स्ड विंडो बोलते हैं। नेक्स्ट विंडो जो आपकी यहाँ पे आएगी, स्लाइडिंग विंडो। स्लाइडिंग विंडो होती है जिसे आप स्लाइड करके ओपन करते हैं हॉरिजॉन्टली। जो विंडो हमारी बसेस में लगी होती है, बैंक काउंटर्स में लगी हुई होती है, या फिर शॉप्स वगैरह में हम उस विंडो को यूज करते हैं। थर्ड टाइप की हमारी विंडो होती है पाइवेटेड विंडो। पाइवेटेड विंडो क्या होती है कि एक पॉइंट के अकॉर्डिंग ये रोटेट करती है। आप इसे हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली दोनों तरीके से इसके पाइवेट को यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हो। फोर्थ टाइप की आपकी विंडो है सिंगल हंग विंडो। सिंगल हंग विंडो क्या होती है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो जैसे इमेज में, ऊपर वाला जो फ्रेम है वो है फिक्स। दो शटर होते हैं, एक ये वाला एक नीचे वाला। ऊपर वाला जो पैनल है वो फिक्स है, नीचे वाले पैनल को आप स्लाइड करके ऊपर नीचे ओपन कर सकते हैं। एक सिंगल जो आपका, इसे हम सैश भी बोलते हैं, इसको आप ओपन कर सकते हो वर्टिकली। इसे हम अपर सैश रिमेनिंग आपका स्टेशनरी रहता है, मतलब ये आपका फिक्स रहता है। ओके, अगर हम बात करें डबल हंग विंडो की, डबल हंग विंडो में दो शटर होते हैं, मतलब दो सैश होते हैं। उसमें क्या है कि आप दोनों को ऊपर भी कर सकते हैं, दोनों को नीचे भी कर सकते हैं, बेसिकली वर्टिकली दोनों उसको हम स्लाइड कर सकते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में। ओके, नेक्स्ट विंडो आती है लूअर्ड विंडो। लूअर्ड विंडो जो होती है ये वेंटिलेशन के काम आती है, विदाउट एनी आउटसाइड विजन, कि बाहर से कोई देख ना पाए बट वेंटिलेशन बनी रहे। जो ये आपके लूवर्स लगे हुए होते हैं बीच में, ये आपके वुड के हो सकते हैं, ग्लास के हो सकते हैं, या फिर मेटल के हो सकते हैं। ये जैसे लूवर्ड डोर होते हैं उसी की तरह ही आप इन्हें यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट विंडो आती है केसमेंट विंडो। केसमेंट विंडो नॉर्मली सब जगह यूज होने वाली है, वाइडली यूज विंडो है। जो शटर्स होते हैं वो फ्रेम से अटैच होते हैं, जिसे हम नॉर्मली डोर की तरह ओपन कर सकते हैं। सिंगल शटर हो सकता है या फिर डबल शटर भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट विंडो आती है मेटल विंडो। मेटल विंडो जो होती है माइल्ड स्टील की बनी हुई होती है, स्ट्रेंथ में काफी अच्छी होती है। ये आपका पब्लिक बिल्डिंग्स में यूज करते हैं या फिर प्राइवेट बिल्डिंग्स में इनको यूज किया जाता है। नेक्स्ट विंडो होती है कॉर्नर विंडो। कॉर्नर विंडो आपने देखा होगा एक वॉल के कॉर्नर पे लगी हुई होती है, जिसमें दोनों तरफ से वेंटिलेशन बनी हुई होती है और जो आपका लाइट है वो ज्यादा आती है रूम के अंदर डिफरेंट डायरेक्शन से। ओके, नेक्स्ट विंडो होती है बे विंडो। बे विंडो क्या होती है, प्रोजेक्टेड विंडोज फ्रॉम वॉल, वॉल से बाहर प्रोजेक्टेड होती है। ये क्या करती है, इंक्रीज करती है एरिया ऑफ ओपनिंग। जो आपके विंडो की ओपनिंग है उसका एरिया इंक्रीज करेगी। अब एरिया इंक्रीज करेगी तो आपका लाइट जो आएगी इनसाइड वो ज्यादा आएगी, और अगर आप विंडो को ओपन करते हो तो वेंटिलेशन भी बहुत ज्यादा आएगी इसके अकॉर्डिंग। ये ट्रायंगुलर हो सकती है, इसे आप रेक्टेंगुलर कर सकते हो, या फिर इसे पॉलीगोनल, किसी भी शेप में आप इसको बना सकते हो। ये आपकी बे विंडो होती है। एक होती है बो विंडो। बो विंडो क्या होती है, ये सर्कुलर टाइप में होती है, प्रोजेक्शन इसकी भी बाहर की तरफ होती है, बट ये कस्टम कर्व्ड होता है। आप कस्टमली आप इसे कर्व कर सकते हैं। ये काफी एक्सपेंसिव होती है बे विंडो के अगर हम कंपेयर करें तो। नेक्स्ट विंडो होती है क्लियर स्टोरी विंडो। ये जो विंडो होती है आप देख रहे हो जैसे इमेज में, अगर आपकी सीलिंग का लेवल अलग अलग होता है, पीछे आपने एक ही होल बनाया जिसके इस तरीके से, जैसे फैक्ट्रीज वगैरह घर वगैरह भी इस तरीके बनाते हैं, जो ये वाली विंडो होती है जो आप ऊपर की तरफ देख पा रहे हो, इनको हम क्लियर स्टोरी जो आपकी विंडोज होती है वो हम बोलते हैं। नेक्स्ट विंडो आती है लैंटर्न विंडो। लैंटर्न विंडो रूफ के ऊपर लगती है, ऊपर से रोशनी देने के लिए रूम के अंदर। ये काफी एयर सर्कुलेशन इससे बना हुआ होता है, लाइट ज्यादा इससे आती है, और इसको हम क्लोज भी कर सकते हैं जब हमें रिक्वायर्ड होता है। ओके, उसके बाद है गेबल विंडो। देखो गेबल विंडो क्या होती है, जब आप स्लोप वाली रूफ बनाते हो तो जो ये वाला पार्ट है, जो इस वाले पार्ट में विंडो लगी होगी जितनी भी, उसे हम गेबल विंडो बोलते हैं। स्लोपिंग रूफ के इस वाले पार्ट में जो ये विंडो आप देख पा रहे हो, तो ये हमेशा आपकी गेबल विंडो होती है। नेक्स्ट है वेंटिलेटर। वेंटिलेटर्स के बारे में आपको पता है, ये अगर हम रूम के अंदर या वॉशरूम के अंदर हम इसे यूज कर सकते हैं।
ठीक है, हम रूफ लेवल पे लगाते हैं, मतलब जो विंडो होती है उससे भी हाइट इसकी ज्यादा होती है और इसका साइज छोटा होता है, जिसे हम वर्टिकली ओपन करते हैं जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हो। ओके, नेक्स्ट विंडो होती है स्काईलाइट विंडो। स्काईलाइट विंडो क्या होती है कि जब आपके पास स्लोप रूफ होती है तो उसके हम बिल्कुल परपेंडिकुलर ऑन स्लोप रूफ, परपेंडिकुलर पैरेलल स्लोप रूफ के पैरेलल पे हम उस चीज को विंडो को लगाते हैं ताकि वेंटिलेशन वेंटिलेशन भी बनी रहे। अगर आप इसे ओपन करना चाहते हैं तो ओपन भी कर सकते हैं, बट मोस्टली ये लाइट्स के काम आती है कि लाइट अंदर आती रहे। नेक्स्ट है पिक्चर विंडो। देखो पिक्चर विंडो क्या होता है कि आप अपने घर पे बहुत बड़ा होल है और बाहर कोई एक एरिया है या फिर सीन ऐसा है जिसे आप देखना चाहते हो, एक पिक्चर की तरह लगता है, तो हम क्या करते हैं वहां पे एक बहुत बड़ी फिक्स्ड विंडो लगा देते हैं। ठीक है, ये बिग साइज की फिक्स विंडो होती है जिसे हम पिक्चर विंडो कहते हैं, बाहर का सीन देखने के लिए, कोई ग्रीनरी हो या फिर कोई माउंटेन टाइप हो, ये काफी लार्ज विंडो होती है जो इसे हम फिक्स्ड विंडो ही बोलते हैं, बट ये काफी बड़ी साइज में होती है तो ये पिक्चर विंडो कहलाई जाती है। उसके बाद है अवनिंग विंडो। देखो अवनिंग विंडो नाम में ही है कि ये प्रोटेक्ट करती है किस चीज से, रेनफॉल से। ये वर्टिकली ऐसे ओपन होती है और अगर आप रेनफॉल भी अगर आप बारिश आ रही है कुछ भी आ रहा है तो वो भी आप इसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी रेनफॉल से आपको बचाती है। नेक्स्ट टाइप की विंडो होती है डेकोरेटिव ग्लास विंडो। तो आपने देखे होंगे बहुत सारी जगह या घर पे जैसे किसी के डोर एंट्री करते ही वहां पे पार्टीशन लगा हुआ होता है इस तरीके के ग्लास का, जो डेकोरेटिव ग्लास होते हैं, या फिर आपने मूवीज में देखा होगा जो वॉशरूम्स होते हैं उसमें इस तरीके के ग्लास होते हैं, ये ट्रांसपेरेंट नहीं होते। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, सिर्फ रोशनी के काम आते हैं, ग्लास टू ग्लास ब्लॉक बने होते हैं, प्राइवेसी जो आपकी प्राइवेसी होती है उसको मेंटेन करते हैं, डिजाइन अच्छे लगते हैं। नियर फ्रंट डोर और बाथरूम्स वगैरह में हम इसको यूज करते हैं जहां पे लाइट भी चाहिए और प्राइवेसी भी चाहिए हो। उसके बाद आर्च विंडो। आर्च विंडो क्या होता है कि एक आर्च बना हुआ होता है, इस टाइप की विंडो को हम आर्च विंडो बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप की विंडो डोरमर विंडो। डोरमर विंडो स्लोप रूफ में लगती है, जहां पे भी आपकी स्लोप रूफ होगी तो वेंटिलेशन के लिए और एयर के लिए, वहां पे वेंटिलेशन और लाइट्स के लिए, तो इस तरीके की विंडो बना दी जाती है वहां पे, इसे हम डोरमर विंडो बोलते हैं बेसिकली। नेक्स्ट आता है एग्रेस विंडो। एग्रेस विंडो कहाँ पे बनती है, जहां पे बेसमेंट होता है, ये सिक्योरिटी पर्पस से बनाई जाती है, ये सिक्योरिटी पर्पस नहीं, ये बनाई जाती है इमरजेंसी में, अगर आपको भागना है, अगर फायर वगैरह लग जाती है, आग वगैरह लग जाती है तो उस केस में ये आपको बचाती है। तो ये विंडो मोस्टली लगती है बेसमेंट वगैरह में, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो बेसमेंट में विंडो लगी है, अगर फायर वगैरह कुछ प्रोविजन होता है तो आप यहां से निकल के भाग सकते हो, तो इस वजह से इस विंडो को यूज किया जाता है। उसके बाद है गार्डन विंडो। गार्डन विंडो बे विंडो की तरह, ये मिनी बे विंडो है, बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड निकला हुआ, बट ये क्लोज कर दिया जाता है चारों तरफ से और यहाँ पे प्लांट्स वगैरह लगा दिए जाते हैं, गमले वगैरह रख दिए जाते हैं। ये आपका लगा लो कि लिटल टाइनी लिटल आपका ग्रीन हाउस टाइप का ये आपका विंडो बन जाती है। नेक्स्ट विंडो आती है ग्लास ब्लॉक विंडो। ग्लास ब्लॉक विंडो क्या होता है कि आपका एक फ्रॉस्टेड ग्लास होता है जो आप रूम में लगाते हो, ट्रांसपेरेंट नहीं होता, आर पार आप देख नहीं सकते उसके, सिर्फ लाइट अंदर आए वहां पे लगा सकते हो, प्राइवेसी बनी रहे आपका उस जगह पे लगा सकते हो, वेंटिलेशन नहीं लगता क्योंकि ये इसमें कोई होल होता नहीं जहां से इसे वेंटिलेट करे, या फिर इसमें कोई शटर नहीं होता कि जिससे हम खोल के इसको ओपन कर पाए। उसके बाद है आपका होपर विंडो। होपर विंडो लगती है अगर आप बेसमेंट में हो, और आपने देखा होगा जब आप बेसमेंट में होते हो तो हल्का सा एरिया जमीन से ऊपर भी आ जाता है, तो उस जगह पे जो विंडो लगाई जाती है बाहर से वेंटिलेशन के लिए, इस तरीके की वो विंडो होती है उसे हम होपर विंडोज बोलते हैं। ये मोस्टली बेसमेंट या बाथरूम में लगाई जाती है। लास्ट विंडो की हम जो बात करेंगे वो राउंड सर्कल विंडो है। ये आपका राउंड भी हो सकती है, हाफ राउंड भी हो सकती है, एलिप्टिकल भी हो सकती है, ओवल शेप की भी हो सकती है, जो इस टाइप की विंडोज होती है उसे हम राउंड विंडो बोलते हैं। तो ये थी 26 टाइप्स की विंडो। आशा करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा इस वीडियो से, आपको भी पता लगा होगा कि कितने टाइप्स की विंडो होती है और किस विंडो को हम क्या बोलते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं और क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो, उन सब चीजों के बारे में आप बता सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आप मेरे कोर्स से रिलेटेड और भी चीजें देख सकते हो, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाएं, चेक करें और ओपन करके आप चीजों को देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।